सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी और सेकंड पार्ट ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कबूतरों के बच्चे जो हैं कौन सी कली में आपको रोकने हैं। इसका मसला ऐसा है कि जब पट्ठा अपनी पहली कली से दूसरी कली, तीसरी कली, चौथी कली, पांचवी कली, छठी कली झाड़ता है, सातवीं कली तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपके अच्छे जोड़ों का पट्ठा है तो। मेरा बताने का मकसद यह है, अपने बच्चे को, कबूतर के बच्चे को आप पहली कली से उड़ाएं और सातवीं कली तक उड़ाते रहें और सातवीं कली के बाद आप उसे रोक दें, क्योंकि जो आठवीं कली, नवीं कली और दसवीं कली जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और जब वो बच्चा अपनी कली को झाड़ के लाता है, आठवीं कली या नवीं या दसवीं कली, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब पट्ठा जोर मारता है, कबूतर जोर मारता है, तो वो आठवीं कली हो या नवीं कली हो या दसवीं कली हो, इसमें निकलने के चांस बहुत होते हैं कबूतर के या बच्चे के। देखो, जब कली आती हैं कबूतरों की, तो उनके कली में खून भरा होता है। जब वो उड़ते हैं तो उनके ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हो, सुई चुभती है, जैसे कांटे लग रहे हैं, खून का दौरान बना रहता है तेज उस कली के अंदर। तो इसलिए आप आठवीं कली, नवीं कली और दसवीं कली जब आए आपके कबूतर के बच्चे के यहाँ, तो आप उसे रोक दें, आप उसकी खिलाई करें, दाना खिलाएं अच्छा, ताकि उसकी आठवीं, नवीं, दसवीं कली जो है वो बहुत बढ़िया है। ये कुंदे बोलते हैं, ये मजबूती मजबूत कुंदे आने चाहिए पट्ठे के, और इम्पोर्टेंट पर होते हैं ये आठवीं, नवीं, दसवीं कली। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने कबूतर हो या पट्ठा हो, आप इन कलियों में अपने कबूतर की उड़ान लेना रोक दें। इसी कलियों में कबूतर हो या पट्टा हो वो निकल जाते हैं। हमने काफी देखा होगा कि हमारे भाई, सुना भी होगा कि हमारे यार आठवीं कली में था या नवीं कली में था, सुना होगा आपने, या दसवीं कली में होगा, है ना भाई, निकल गया वो पट्टा यार हमारा, चला गया, घटा से नहीं आया। तो इसमें जब पट्टा आसमान जाता है, कबूतर जब आसमान जाता है, जोर मारता है, तो इन कलियों में तकलीफ होती है, काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसलिए कबूतर जब जोर मारता है, तकलीफ की वजह से वो कबूतर निकल जाता है कहीं लंबा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि सातवीं कली के बाद आप पट्ठे को रोक दें। अगर पुलिस का टाइम है तो उसको अच्छा दाना खिलाएं, चने वगैरह, मक्का वगैरह, इसमें आपके कबूतर के जो पर आएंगे वो अच्छे पर आएंगे, ठीक है। या अगर उखाड़ने का अगर टाइम है, वो मौसम उखाड़ने वाला है, पर पट्टी का जैसे कहते हैं, तो आप उसकी वो आठवीं, नवीं, दसवीं कर तक उखाड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसके साथ दाना अच्छा खिलाएं, क्योंकि उसका पर जो है मजबूत और अच्छा निकले। इसलिए अब जब वो पर साफ, 10 पर साफ हो जाएगा, फिर आप उड़ान लेंगे तो माशाल्लाह से। मैं खुद अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, आप ये करने के बाद आप देखेंगे पट्ठा उड़ के भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा उड़ान देगा, बढ़िया। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद ये था कि आप सातवीं कली के बाद रोक दें, आपका पट्ठा जो जाया होने से बचेगा, और आगे जो उसके पर आएंगे तो अच्छे आएंगे, ठीक है दोस्तों। और यही बताने का मेरा मकसद था, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।